मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। बोकारो में ट्रैक्टर चालक से अवैध वसूली करते कैमरे में कैद हुआ जवान, वीडियो वायरल। जमशेदपुर के पिपला डैम में गिरा हाई टेंशन तार, नहा रहे दो सगे भाई समेत चार की करंट लगने से मौत। पलामू में आपसी विवाद में पहले पति को टांगी से काटा, फिर खुद कुएं में लगा दी छलांग। जामताड़ा में गैस टैंकर और दवा से भरे ट्रक में टक्कर, दो की मौत। गुमला में शराब के नशे में पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी धराया। खुटी में अपराध की योजना बनाते पांच अपराधी गिरफ्तार, कट्टा गोली व मोबाइल बरामद। बोकारो के केंद्रीय अस्पताल में सीसीएल कर्मी की मौत, लापरवाही का आरोप लगा, परिजनों ने किया हंगामा। खरसावा चाईबासा मेन रोड पर हादसा, बाइक दुर्घटना में दो युवक गंभीर। पलामू पुलिस ने फरार तीन आरोपियों को धर दबोचा, जीजा को आत्महत्या के लिए उकसाने का है आरोप। रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में 14 जून से होगी यूजी और पीजी की परीक्षा, ऑनलाइन लिए जाएंगे एग्जाम। खूंटी में ठनका गिरने से एक की मौत, मवेशी चराने के दौरान हुआ हादसा। यूपीएससी ने जारी किया आईईएस और आईएसएस परीक्षा के इंटरव्यू का रिवाइज शेड्यूल, 19 जुलाई से होगी पर्सनालिटी टेस्ट। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को एसआईटी ने भेजा समन, कोटकपुरा गोलीकांड में होगी पूछताछ। नर्सिंग ऑफिसर समेत 275 पदों के लिए वैकेंसी, 28 जून तक कर सकते हैं आवेदन। G7 लीडर से मुलाकात के बाद WHO चीफ की हिदायत, कोरोना कहां से आया, इस जांच में सहयोग करे चीन। चीन की गैस पाइपलाइन में विस्फोट, 12 की मौत, 138 से ज्यादा जख्मी। मिजोरम में दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली के मुखिया का निधन, परिवार में 38 पत्नियां, 89 बच्चे। पटना में शख्स के सिर से निकला क्रिकेट बॉल से भी बड़ा ब्लैक फंगस, IGIMS में हुआ सफल ऑपरेशन। नहीं रही उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय यश, दिल का दौरा पड़ने से निधन। गिरिडीह में उड़ी टोटल लॉकडाउन की धज्जियां, तालाब में मछली पकड़ने उतरे सैकड़ों लोग, पुलिस ने खदेड़ा। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।